आपका स्वागत है हमारे यूपी लाइफ 100 न्यूज पर। देश व दुनिया की तमाम अहम व छोटी बड़ी खबरों से बने रहिए हमारे साथ यूपी लाइफ 100 न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। बट सावित्री का व्रत सुहागन महिलाओं ने रखा और किया पूजा अर्चना। विकास खंड नवाबगंज क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत भगवानपुर करेगा में श्री भगोरा समय माता मंदिर पर बृहस्पतिवार को ज्येष्ठी अमावस के दिन सुहागन महिलाओं ने अपने सुहाग के लिए लंबी उम्र के लिए व्रत रखा और पूजा अर्चना भी की। इस व्रत को बट सावित्री व्रत के नाम से जाना जाता है। कई जगह ये उपवास ज्येष्ठी पूर्णिमा के दिन रखा जाने का विधान है। इस दिन बट यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि बट वृक्ष के जड़ों में ब्राह्मण तने में भगवान विष्णु, डालियों व पत्तियों में भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। व्रत रखने वालों को माँ सावित्री और सत्यवान की इस पवित्र कथा को सुनना जरूरी माना जाता है। जहां पूरे विश्व वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रहा, वहीं सुहागनों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार शारीरिक दूरी का ध्यान रखते हुए पूजा पाठ शुरू की गई। सुहागन ज्येष्ठी माह के कृष्ण पक्ष के अमावस्या को पति के दीर्घ आयु के लिए वट वृक्ष की पूजा की जाती है। इस क्रम में शहर व ग्रामीण के अंचलों में सुबह से ही सुहागनों के वट वृक्ष की पूजना अर्चना करते हुए दिखाई गई। दौलतपुर, परमपुर, बहलाद गांव, पटना, सही गांव, मोहम्मदी साहबा, निधनपुरवा, बगमरवा, तेलियन सभी क्षेत्र के महिलाओं भगोरा समय माता मंदिर पर पूजा अर्चना की। रिपोर्ट राजीव कुमार सिंह, बहराइच, ब्यूरो चीफ।